अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टिकटॉक एप्लीकेशन से लोग किस तरह पैसे कमाते हैं और क्या टिकटॉक की वीडियोस मोनेटाइज होती हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके और आइंदा दिनों में मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए नई वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ जिसमें ऑनलाइन अर्निंग के मुख्तलिफ तरीके आप लोगों को सिखाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि टिकटॉक एप्लीकेशन के अंदर बज़ाते ख़ुद कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं है कि जिससे वीडियोस को यूट्यूब की तरह मोनेटाइज किया जा सके और टिकटॉक की एप्लीकेशन से डायरेक्ट कमाई की जा सके। अब सवाल यह है कि अगर टिकटॉक की वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती और डायरेक्ट कमाई नहीं की जा सकती तो टिकटॉकर्स किस तरह पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि जब आप टिकटॉक पर अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं और आपके फॉलोवर्स की तादाद 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है तो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स जो हैं आपको अप्रोच करते हैं जो कि अपनी मसनूआत की तशहीर मतलब एडवर्टाइजमेंट के पैसे देते हैं। मसलन किसी भी ब्रांड को अपने मोबाइल की, टी शर्ट की, शर्ट की, पैंट की, कपड़ों की या किसी भी तरह की मसनूआत की एडवर्टाइजमेंट करवानी होती है तो वो आपको पैसे देंगे कि भाई आप अपनी वीडियोस में हमारी मसनूआत की एडवर्टाइजमेंट करें। और दूसरा तरीका ये है कि इस काम के लिए जो टिकटॉकर्स हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करते हैं कि उनके पास जितने भी फॉलोवर्स होते हैं, ख्वाह वो 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है, 5 लाख है, उससे ऊपर है, वो अपने फॉलोवर्स को फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ले जाते हैं और वहाँ भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की मसनूआत की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। और वहाँ ये फ़ायदा है कि यूट्यूब पर या फेसबुक पेज पर आपकी वीडियोज़ मोनेटाइज हो जाती हैं और मोनेटाइजेशन के बाद ऑटोमेटिकली यूट्यूब या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम की तरफ से आपकी वीडियोज़ पर एडवर्टाइजमेंट हो जाती है जिससे वहाँ पर भी पैसा आ जाता है। जो ब्रांड्स हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, अगर आपकी वीडियोज़ पर 10 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, 5 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, 2 लाख व्यूज़ आते हैं या 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं तो उस वीडियो में अगर किसी भी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है और उन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर उन 1 लाख से लेकर 10 लाख जितने भी हैं अगर वो व्यूअर्स देखते हैं और उनमें से 100, 200, 1000 या ज़्यादा लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और उस ब्रांड की मसनूआत को 10, 20, 50, 100, 200 बंदा परचेज़ कर लेता है, ख़रीद लेता है तो ब्रांड को भी फ़ायदा हो गया और जिस बंदे ने वीडियो बनाई उसको भी फ़ायदा होता है। तो इस तरह टिकटॉक पर पैसे कमाने के 2 तरीके हैं, एक तो ब्रांड्स जो हैं आपसे डायरेक्ट रابطہ करते हैं और आपको अपनी वीडियोस में अपनी मसनूआत की एडवर्टाइजमेंट का बताते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने टिकटॉक फॉलोवर्स को यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप में इस तरह ले जाएँ और वहाँ पर आपकी वीडियो मोनेटाइज हो जाएंगी और इस तरह ऑटोमेटिकली जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके फेसबुक पेज और यूट्यूब पर होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ये थी मेरे पास आज की इन्फॉर्मेशन जिसकी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के ज़रिए शेयर कर दी ताकि आप लोगों को सही तरह हरफ बहरफ समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया।